हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर टू विलयन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज, या इसे हम कहते हैं मोल अंश, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोल प्रभाज की परिभाषा, सूत्र और मोल प्रभाज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोल प्रभाज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल प्रभाज या मोल अंश इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन इसका क्या होगा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, हम यहाँ पर एक चित्र की सहायता से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, अब इस पात्र में दो चीज़ें हैं। नंबर वन आपका जल होगा, मान लीजिए इस प्रकार से जल भरा है। ठीक है, देखिए हम ये जल का एक जल के मॉलिक्यूल्स का कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और नंबर दो आपका जो है वो है कुछ कण, कुछ विलेय। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला जल है, जल भरा हुआ, इसमें हमने कुछ चीनी के कण डाल दिए हैं। अब देखिए, चीनी जो है आपका विलेय है, इसमें हमने चीनी विलेय लिया है क्योंकि चीनी जो है इसकी मात्रा कम है, तो ये विलेय होगा। जल जो है ये विलायक होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको क्या करना है, अगर आपको चीनी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, चीनी के मोलों की संख्या ली जाएगी, ठीक है, और उसके बटा चीनी और जल दोनों को मोल की संख्या, समझ में आए। तो वही यहाँ पर कहा गया कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का, मान लीजिए आपको चीनी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है, या अवयव के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमें चीनी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो चीनी के मोलों की संख्या ले लीजिए बटा चीनी और पानी दोनों के मोलों की संख्या ले लीजिए, यही होगा आपका मोल प्रभाज। अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या बटा जल प्लस चीनी के मोलों की संख्या। ठीक है, समझ में आया। यानी कि किसी एक घटक का अगर हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उस घटक के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ले लीजिए, आपका जो है मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि जो आपका विलयन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो आपका विलयन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वो क्या है, एक है विलेय और एक है आपका विलायक। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या है, एक चीज़ और समझना है कि जो मोल प्रभाज होता है, ठीक है, मोल प्रभाज को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक्स बनेगा तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्स से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, किसका, विलेय का, इसमें विलेय क्या, चीनी है, तो मान लीजिए हमें चीनी का मोल प्रभाज ज्ञात करना, तो लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले आपको क्या करना है, विलेय का ज्ञात कर रहे हैं तो पहले विलेय के मोलों की संख्या लिखनी है। ठीक है, जिसका आप ज्ञात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या लिखिए, मोलों की संख्या, फिर लिखिए बटे, ठीक है, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो समझ में आया, या आप लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से कर देते हैं ताकि ये दोनों आपको लगे। तो ये हो गया आपका मोल प्रभाज ज्ञात करने की विधि। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अभी मैं विलायक का भी मोल प्रभाज निकालूंगा। तो देखिए विलेय का मोल प्रभाज हमने बताया कि इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, अब चूंकि हमें विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो दोनों को हम एक्स से डिनोट नहीं कर सकते, तो इसे हम एक्स ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए इक्वल टू, अब विलेय के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं एन ए, विलेय को मानते हैं ए से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, अपान ये भी विलेय है तो विलेय को हम एन ए ही लिखेंगे, प्लस एन बी, ठीक है, विलायक को हम एन बी मान लेते हैं,
तो यानी कि ये सूत्र जो है सूत्र के हिसाब से ही इसे लिखा गया है। देखिए ये विलेय का मूल प्रभाव है, हमने इसे एक्स से मान लिया। अब विलेय के मूलों की संख्या को एन ए मानेंगे, ठीक है, ए को हम विलेय मान लेते हैं और ये इस मूलों की संख्या है और नीचे विलेय और विलायक दोनों की है। तो यही कहा गया है कि देखिए ये हमें विलेय के मूलों की संख्या ज्ञात करनी है चीनी की, तो क्या कीजिए आप इस चीनी को ऊपर लिख दीजिए विलेय के मूलों की संख्या, और नीचे क्या कीजिए चीनी और जल दोनों के लिख दीजिए विलेय प्लस विलायक दोनों को, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, विलायक के मूलों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक, पहले विलायक का निकालना तो ऊपर विलायक लिखिए, विलायक के मूलों की संख्या अपान आपका हो जाएगा विलेय प्लस विलायक दोनों के, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, के मूलों की संख्या, ठीक है। तो ये आप विलायक के मूलों की संख्या का फार्मूला लिख सकते हैं, जिसका मूलों की फॉली यहाँ पर आपको गलती हो गई थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसको क्या कर दीजिए विलायक का मोल प्रभाज कर दीजिए, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं इधर, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, समझ में आया। तो विलायक का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक प्लस विलेय दोनों के मोलों की संख्या, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसका हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर लिखना है, और जिसका हमें नहीं ज्ञात करना है उसे सिर्फ नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसे हम लोग विलायक के मोल प्रभाज को हम मान लेते हैं एक्स बी से, इसे हम एक्स बी से डिनोट कर देते हैं क्योंकि हमने विलेय का मोल प्रभाज डिनोट किया था एक्स ए से, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग एक्स बी से डिनोट कर देंगे, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या को हमने क्या लिखा था एन ए फॉर एन बी लिखा था हमने, देखिए ऊपर, ठीक है, और विलेय के मूलों की संख्या को एन ए प्लस विलायक के मूलों की संख्या एन बी। तो ये हम फार्मूला मान लेते हैं, थोड़ा छोटा लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विलायक के मूलों की संख्या का विलायक का मूल प्रभाज, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से आप किसी भी यौगिक का मूल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी घटक का, विलेय का ज्ञात करना हो तो विलेय का ऊपर लिख दीजिए और नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इन दोनों को चलिए हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, सॉरी, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है, यानी कि विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज अगर हम जोड़ें तो आपका आंसर एक आएगा। चलिए देखते हैं, तो देखिए हम एक्स ए प्लस एक्स बी करते हैं, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज को जोड़ते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज हमारा आया था एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है, और विलायक का मूल प्रभाज आया था एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आप लिखिएगा, तो ये आया था दोनों का, अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए आता क्या है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, देखिए नीचे आपका जो हर है वो दोनों समान है, एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी, तो इसको लिख देंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, क्योंकि नीचे सब समान है तो ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पर भी बचेगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, यही बचा। अब देखिए दोनों सेम है तो एक कट हो जाएंगे, तो आपका जो एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि विलेय और विलायक के मूल प्रभाज का योग जो होता है वो उसकी वैल्यू एक होती है, ठीक है। तो देखिए विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू एक। अब मान लीजिए यहाँ पर समझिए, मान लीजिए आपको विलेय, अब इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी वन माइनस एक्स बी। इसका मतलब क्या हुआ समझिए थोड़ा सा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मान लीजिए विलायक का मूल प्रभाज पता है तो हम विलेय का मूल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि विलायक का मूल प्रभाज 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर विलायक के मूल प्रभाज के स्थान पर हम 0.5 रख देंगे, तो आपका एक्स ए इक्वल टू आ जाएगा, ये मैं मान रहा हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, वन माइनस एक्स बी, मान लीजिए विलायक का मूल प्रभाज है 0.5,
तो आपका जो एक्स ए विलेय का मोल प्रभाव जाएगा वो आ जाएगा 0.5। देखिए 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको विलेय का मोल प्रभाव पता है तो आप विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं, अगर विलायक का पता है तो आप विलेय का ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है। तो ये था आपका मोल प्रभाज और मोल प्रभाज के बारे में जानकारी। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, अब दोनों का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 72 ग्राम जल है तो सबसे पहले हमें दिया गया है जल का भार, जल का भार दिया गया है कितना दिया गया है, जल का भार दिया गया है 72 ग्राम, ठीक है 72 ग्राम, ठीक है। अब देखिए हमारा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है तो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल का भार, यानी कि एथिल अल्कोहल को हम लिख सकते हैं C2H5OH का भार, ठीक है। जल का तो सूत्र सबको पता है H2O, तो C2H5OH का भार दिया गया है 92 ग्राम। अब आपको इन दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया किसी का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो आपको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जल का पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो जल के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, जल के अणुभार को भी पता होना चाहिए, यानी कि जल का सूत्र होता है H2O, तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालते हैं। तो जल का अणुभार, ठीक है। तो अणुभार क्या होता है, H2O है तो H का अणुभार होता है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे H2O लिखेंगे। अब H2O में क्या होता है आपका, H का अणुभार होता है 1, तो 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीजन का 16। तो फाइनली आपका जो जल का अणुभार निकल आएगा, जल का अणुभार वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 × 2 = 18, ठीक है। तो जल का अणुभार हमारा आ गया 18, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें C2H5OH का भी अणुभार निकालना, तो इसका भी निकाल लेते हैं C2H5OH का अणुभार। तो देखिए C2H5 कार्बन का होता है परमाणु भार 12, तो 12 का 2 से गुणा होगा तो 12 × 2 लिख देते हैं। देखिए C2 है तो 1 कार्बन का 12, तो 2 का क्या होगा 12 × 2, प्लस लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 5 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 लिख देंगे, प्लस H का होता है 1 तो सभी को जोड़ देंगे, 12 × 2 = 24, प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा 24 × 5 = 29, 29 × 1 = 30, 30 × 16 कितना होगा 46, ठीक है। तो आपका C2H5OH का अणुभार जो आएगा वो आ जाएगा कितना बताइए 46, ठीक है, कितना आ जाएगा 46, तो यहाँ पर हम रूट लिख देंगे 46। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ करना है, देखिए हमने जल का भार और अणुभार निकाल दिया, अब हमें अगर मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जल के मोलों की संख्या निकालते हैं, जल के मोलों की संख्या, देखिए थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या बराबर होगा जल का भार बटा जल का अणुभार, ठीक है। तो जल का भार कितना दिया गया बताइए, जल का भार हमें ऊपर दिया गया था 72 ग्राम, 72 अपान जल का अणुभार हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, जल का भार है 72 ग्राम, जल का अणुभार निकाला था 18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो फाइनली जल के मोलों की संख्या क्या आई, जल के मोलों की संख्या जो आई हमारी वो आ गई है, देखिए 18 × 72, तो यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम C2H5OH के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो देखिए C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, तो इसकी मोलों की संख्या निकालना है, तो इसका C2H5OH का भार बटा C2H5OH का अणुभार, ठीक है। अब देखिए भार कितना दिया गया एथिल अल्कोहल का, तो ऊपर दिया गया था, देखिए ये भार है इसका
सबसे ऊपर 92 ग्राम, देखिए ये 92 ग्राम, ठीक है। और अणुभार कितना आया था इसका, 46, तो हम लिख देंगे 46, ये 92 दिया गया था तो 92 बटा अणुभार आया था 46, तो 46 का 2 से कट कर देंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या ये कितना आ गया, 2, ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें मोलों की संख्या पता हो चुकी है, अब हम जल का मोल प्रभाज और C2H5OH का मोल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवयव का अगर आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जैसे जल का ज्ञात करना है, तो जल को ऊपर नीचे दोनों स्थान पर लिखा जाएगा, बाकी जो उसके साथ है एथिल अल्कोहल उसको नीचे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा, देखिए जल के मोलों की संख्या अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली थी बताइए, तो जल के मोलों की संख्या हमने निकाली थी 4, 18 से 72, ठीक है, अपान जल का तो 4 रहेगा और इसका जो हमने निकाला था वो 2 निकाला था, ठीक है, एथिल अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपका जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए 4 बटा 6, 4 बटा 4 2 6, अब 6 को 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा जल की, जल का जो मोल प्रभाज आ जाएगा, मोल प्रभाज वो आपका कितना आएगा, 0.666, यानी कि जब आप 4 को 6 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.666। तो ये आपका आ चुका है जल का मोल प्रभाज, देखिए यही हमें निकालना था। अभी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है क्योंकि दोनों का निकालना था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एथिल अल्कोहल, या इसे ही हम C2H5OS लिखते हैं, ठीक है, का मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम, पहले C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या अपान जल प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, जल प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना आया था, 2 आया था, तो हम 2 लिख देंगे, अपान जल के मोलों की संख्या 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा 4 2 6, अब इसको भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 2 को 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.333, ठीक है। तो फाइनली जो आपका एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज आएगा, C2H5OH का मोल प्रभाज, ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा कितना, 0.333। तो ये आपका आ जाएगा मोल प्रभाज। तो देखिए दोनों अलग अलग मैंने निकाल दिया है, एक जल का मोल प्रभाज इतना आया, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज इतना आया, और यही पूछा गया था आपके न्यूमेरिकल में। आई होप कि आपको ये मोल प्रभाज और मोल प्रभाज का सूत्र, इसका न्यूमेरिकल सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें।